गुड मॉर्निंग गाइस, ये ताज़ा पपीता मैं अपने खेत में से तोड़ के लाया हूँ, अपने पेड़ के ऊपर से। और ना काफ़ी दिन से पकने लगा था, तो मैंने इसको रहने दिया। मैंने कहा पेड़ के ऊपर पक जाए तो ज़्यादा अच्छा है, और ये पक चुका है। अब इसको काट करके देखते हैं कि ये मीठा होता है या फिर फीका। अगर मीठा ना हुआ तो हम इसको कच्चे पपीते को उतार करके सब्जी बना लिया करेंगे, अगर मीठा हुआ तो हम सब पपीतों को पकाया करेंगे। शक्तिमान और नहीं पता मैं। आज सुबह सुबह हमारे घर से काफी अमरूद टूट चुके हैं। सुबह सुबह कपड़े धोकर मैंने सुखाने के लिए डाल दिए, और ये कल धोए थे, आज बिल्कुल सूख जाएंगे। कल मैं ये वाला सूट दोबारा पहनूंगी। सूट मुझे बहुत अच्छा लगा और मुझे लगता है वर्थ इट है। जितने प्राइस में मैंने इसको लिया था ना, उसके अकॉर्डिंग ये सुंदर भी है और अच्छा लगता है पहना। और इसके ना प्लाजो पे बहुत ऐसा नेट वाला जो डिज़ाइन है ना, ये बहुत ही प्यारा लगता है। नेट प्लाजो पे भी है और बाजू पे भी है। मम्मी ने तो नहा लिया सुबह सुबह, अभी वो धूप में बैठ के आराम से थोड़ी धूप लेंगे, क्योंकि आज खेतों का काम कोई नहीं है। और इन्होंने थोड़ी देर में रेडी होके जाना है अपने फ्रेंड्स के पास। और मम्मी जागरण का नहीं होता, किधर से आया था? नान गया थी मम्मी के नान के। ओके, अभी आराम से धूप सेकते सेकते मैं बनाने लगी हूँ आज मिक्स वेज की सब्जी। पहले तो सारी मिक्स वेज की जो सब्जी मुझे चाहिए ना, वो इकट्ठी करके रख लूँगी, फिर उनको काटूँगी, फिर आराम से बनाऊँगी। और मैं थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में बनाऊँगी, फिर सब्जी अच्छी बनती है। ज़्यादा क्वांटिटी में बनाओ ना तो सब्जी इतनी अच्छी नहीं बनती। और है ही हम कितने लोग, तो थोड़ी सी बनाओ और बाद में तारीफें सुनो कि वाह वाह सब्जी, क्या सब्जी बनाई है। अंचल, ये पता क्या होता है, चूल्हे में पहले आलू भूनते थे और कचाड़ू अरबी उसको भूनते थे खाने के लिए। तो अब आलू हमने चूल्हे में रख दिया ना, जो इसमें आग है ना उसमें भून जाएंगे, और फिर हम इसको शाम को चटनी में डाल लेंगे। सच्ची आंचल तेनु पता है, देखो जल्दी। नहीं, पहले नहीं देखा ऐसे कभी आलू ते? नहीं, शकरकंदी देखे हो ता डेथे देखे शकर चूल्हे विच? हां, शकरकंदी एक और भी की थी ना पहले, एक बार की थी मैंने। शकरकंदी नहीं लेके आएंगे ना, उनके टाइम मीठी होनी जी वाली। अगर आलू को आंचल ऐसे खाओ ना, हम तो छिलके भी खाए थे ऐसे, आलू के छिलके बड़ा मजा आता था, टेस्टी है पूरे। और अब हमने इसमें भून लेना ना, फिर हम चटनी बनाएंगे, चटनी में डालेंगे आलू वाले, देखना कितना अच्छा टेस्ट है। अच्छा, गड़ियाली अरबी के बनाने की तैयारी हो रही है, थोड़ी मिक्स वेज। शाम को चटनी बनानी है, ठीक है। चटनी पता क्या डालना है? चार आमलेट, तीन या चार, हाँ तीन चार आमलेट। प्रीति, शाम को चटनी बननी है, आमले डालने उसमें, ठीक है। चार आमले, मतलब कि तू हेल्प करना कुंडा डंडा चलाने में। नहीं, मतलब कि आप हेल्प करना आंवला देने में। नहीं नहीं नहीं, कुंडा डंडा आंचल, कुंडा डंडा भी बहुत अच्छा चलाती है। हाँ, थोड़े दिनों में ये हवा छीन लगेगी, ठंड लगेगी इस हवा से। ठीक है, हमें अमरूद इसमें कीड़ा नहीं है, देखो कीड़ा तो नहीं है, कितना अच्छा है ना पके हुए अमरूद। मम्मी की कल शुगर चेक की थी 170। आज मुझे नमक भी देखना था क्या, चार चार से तो ऐसे भून दिया मैंने ना। मम्मी ने ना अभी थोड़ा सा लहसुन और सौंफ को, थोड़ा सा मिट्टी सौंफ को ऐसे भुना है, क्योंकि उसमें थोड़ा सा मिट्टी सौंफ आओ। ओके, तो ये वाले जो लहसुन अभी करेंगे ना मम्मा, ये उसी अचार में डाल देंगे गल गल के। आज मुझे फाइनली दी ने बोला फटाफट से नहा के आ जा, फिर हम ना रील्स वगैरह बनाते हैं। तो मैं तो तैयार हो गई, मुझे सूट पहले सोचने में, मैं सोचूं कौन सा पहनूं कौन सा पहनूं। तो फाइनली मैंने ये वाली ड्रेस पहनी है, ये हिमाचली ड्रेस है। अभी पूरा वो वाला गेटअप तो नहीं आया, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको अपनी आउटफिट दिखा देती हूँ। दी बोलते पूरा रेडी होके मुझसे मिल, तो दी ने मुझे दो तरह की सर्जरी दी है, एक रेड एक ब्लैक। मुझे लगता है इसके साथ ब्लैक सूट होगी, लेकिन रेड कलर भी अच्छा लगेगा, तो रेड और ब्लैक दोनों ट्राई करेंगे। जो ज़्यादा ओहो या चूड़े का ना जो कड़े होते हैं ना, उसका ये पंखा होता है कि वो सब सूट्स को खराब कर देता है। सबसे ज्यादा इसमें प्यारा ये वाली जो स्कर्ट है, ऐसे हर तरह की फीलिंग आती है, ऐसा लगता है लहंगा पहना, ऐसा लगता है एक फेरी ड्रेस पहनी है, बारबी डॉल टाइप लगता है। और अब आ रहा है फाइनल जो हिमाचल लुक को पूरा का पूरा
अलग कर देगा, मतलब हिमाचली लुक मेरी अब पता लगेगी क्योंकि ये मुझके मिल गया है ढाटू। जब मुझे दी ने ये वाला सूट दिया था ना तब ढाटू भी दिया था, तो ये ढाटू मेरी पूरी लुक को कवर कर देगा और मैं बन जाऊंगी पूरी की पूरी हिमाचलन। मेरे पास ऐसा मतलब क्योंकि ये भी आज गए हुए हैं, पहले मैंने सोचा था ये तब मैं वेयर करूंगी जब मैं कहीं ऊपर कहीं जाऊंगी मतलब ऐसे घूमने तब इसको पहनूंगी, लेकिन पता नहीं ढाटू अच्छे से लगा कि नहीं। फाइनल लुक आपको मैं आगे आगे वीडियोस में देती हूँ, मुझे अभी थोड़ा सा ना मतलब इयररिंग्स पहनती हूँ, थोड़ा मैं इसको कंप्लीट कर लूँ क्योंकि मुझे लगता नहीं कि मुझसे अच्छे से बांधा गया इसको। या ऐसी आपने एक मूवी देखी थी, मुझे नाम भूल गया, उसमें लड़की थी वो ऐसा कुछ करती थी, तारे जमीन पर भी नहीं थी ऐसी कुछ थी, दो बच्चों वाली थी, एक लड़का था एक लड़की थी, मतलब भाई बहन थे, उनके शूज का कुछ था, मतलब पूरे भूल गए वो क्या थी, अगर किसी को पता है उसमें लड़की ऐसा करके मतलब बांध के स्कूल जाती थी, तो अगर किसी को पता है उस मूवी का नाम तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताना। इयररिंग्स में मेरे पास बहुत ज्यादा चॉइसेस है लेकिन फिर भी मुझे ये वाले कुछ अच्छे लग रहे हैं क्योंकि इसमें मोर पंख बने हुए हैं, तो मोर पंख का डिजाइन है तो ये भी अच्छे लगेंगे, लेकिन मैं फिलहाल सोच पा रही है कैसे छोटे छोटे भी हैं, अब समझ नहीं आ रही कैसे कुछ छोटा सा वियर करूं या ये वाले वियर करूं, तो देखती हूँ लगा के मतलब पहन के कि ज्यादा अच्छे कौन से लगते हैं। बस अदरी रह गई, ब्लैक अच्छी लगेगी या रेड, मैं दोनों पहन के आपको दिखाती हूँ, मुझे लगता ब्लैक बहुत सुंदर लगेगी बट रेड भी अच्छी लगेगी। तो मैंने पहन ली है इसके ऊपर से ब्लैक सर्जरी, रेड भी अच्छी लग रही थी लेकिन मुझे लगता है ब्लैक का ज़्यादा लुक अच्छा आ रहा है, और मम्मी से पूछती मम्मी को कैसा लग रहा है क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम वेयर किया यहाँ पे, तो मम्मा तो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं मुझे इस लुक में। यहाँ पर मैं मम्मा से पूछ रही थी कि मम्मा मैं कैसे लग रही हूँ, तो मम्मा मुझे बोल रही थी कि बहुत अच्छी लग रही है, हिमाचल लग रही है, जाके ना फूलों के पास अपनी फ़ोटो खींच, वहाँ पर बहुत अच्छी आएगी, फ़ोटो शूट कर ली अपना फटाफट से जाके। आप बताओ ब्लैक के साथ, ब्रेड तो मैंने आपको दिखाई नहीं, नहीं ब्लैक इसके साथ ब्लैक ही अच्छा लग रहा है, ऊपर वाले ये यहाँ तक बटन बंद कर ये वाले हाँ, तो यार ये बड़ा सफोकेशन सा लगता है। नहीं नहीं बटन बंद करके ही अच्छा लगेगा क्योंकि सदरी के तो सदरी का सिर्फ एक बटन लगाना। ओके ऊपर वाला पूरी तैयार होके मैं जा चुकी थी खेतों की ओर क्योंकि मुझे वहाँ पे पूरी एक हिमाचली वाइब आ रही थी, पहाड़ नदी सब कुछ देख के, बर्ड्स इतने चहक रहे हैं, तो फिर मैं इनकी वेट कर रही थी कि ये काश जल्दी से आ जाए, लेकिन इनको आने में थोड़ा टाइम लगना था, फिर मैंने सोचा थोड़ी देर बाद कि चलो रील्स ही बना लेते हैं, और यहाँ पर एकदम से शांति मिल रही थी मुझे जैसे मैं तैयार होकर बैठी थी। आज पहली बार मतलब पहली बार नहीं, एक बार मैंने किन्नौरी ड्रेस डाली थी मतलब किन्नौर वाली, और वो भी वहीं पे जाके मतलब हमारे सब्सक्राइबर्स थे जिन्होंने अपने घर पे मुझे अपने ही गहने पहना के अपनी ड्रेस पहना के पूरा तैयार किया था, और उसके बाद आज पहली बार मैं हिमाचली ड्रेस में हूँ, मतलब इतना अच्छा लग रहा है ना, आज मुझे ऐसा लग रहा है कि फाइनली मैं हिमाचलन हूँ, अब मुझे आप बोल सकते पहले मैं पंजाबन थी अब मैं हिमाचलन हूँ, और आज बहुत ही बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब मैंने पंजाबी अटायर कितनी बार मतलब पंजाबी सूट्स वगैरह सब कुछ डाला हुआ, कभी हिमाचली ड्रेस नहीं पहनी थी और मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है आज, तो आज मैं आराम से ऐसे ड्रेस पहन के कितनी देर के लिए बैठ सकती हूँ, मतलब कोई टेंशन नहीं है। सासू माँ हमारे वैसे बड़े अच्छे हैं, वो कुछ नहीं बोलते, बस उनको चाय देनी है अभी क्योंकि उन्होंने ना चाय मांगी है, तो चाय बनाएंगे हम, चाय मैं और मम्मा पियेंगे आराम से, मुझे अभी याद आ रहा है कि मैंने सुबह का खाना भी नहीं खाया, सुबह चाय पी ली उसके बाद मुझे भूख नहीं लगती, इसलिए मैं चाय सुबह की स्किप करती थी क्योंकि अगर सुबह चाय पी ली तो फिर मुझे पूरा दिन भूख नहीं लगती, पूरा दिन नहीं 2 बजे तक, और टाइम 2:15 का हो चुका है, तो अब आराम से मैं खाना भी खाऊंगी, मम्मा के लिए चाय भी बनाऊंगी, अगर खुद पीनी होगी तो पी लूँगी, और इतना अच्छा लग रहा है, इसका ब्राइट ब्राइट कलर है, स्काई वाला कलर है, तो स्काई के टाइम पे ही मैं इसको डाल रही हूँ, मतलब आफ्टरनून के टाइम पे एक प्यारा सा व्यू है आपको ना, अभी मैं एक मतलब मैं रील्स के लिए बना रही हूँ, रील्स बना रही हूँ इसके साथ, और ये गए हुए अगर ये यहाँ पे होते ना तो मुझे बहुत हेल्प हो जाती है, ये मेरी वीडियोज़ अच्छे से शूट कर देते हैं, अभी खुद मैं कैमरा स्टैंड लगा के खुद कर रही हूँ तो उसकी वजह से थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, मतलब मुझे पता ही नहीं लगता मैं कैसी रील बनाऊँ क्या करूँ।
अभी दी नीचे आया और मैं और दी आराम से रील्स बना रहे हैं। लेकिन एक चीज़ और बता दूँ, मेरे फ़ोन में कुछ क्लैरिटी की प्रॉब्लम आई थी, दी अपना फ़ोन लेके आए, अभी वो स्टैंड पे लगा रहे हैं। और रील्स हमारी, अगर किसी को हमारी रील देखनी होगी तो इंस्टाग्राम पे आपको हमें फॉलो करना पड़ेगा। और आप इंस्टाग्राम पे जाके हमें, मैं अपनी आईडी मेंशन कर दूंगी, तो आप वहाँ पे जाके हमारी रील्स देख सकते हो। कैसे पूरी तैयारी करनी पड़ती है, ऐसा नहीं कि ईजिली रील्स बन जाती है, बहुत ज़्यादा सेटअप वगैरह करना पड़ता है। काफी अच्छा लग रहा है मुझे, मतलब पूरा ऐसा लग रहा है सच्ची में मैं हिमाचल लग रही हूँ आज, है ना, क्योंकि मैंने कभी ट्राई नहीं किया। मैंने एक किनोरी ड्रेस डाली थी वहाँ पे किनोर में, बस तो इसको पहन के ना बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, इसको बहुत अच्छी फीलिंग आती है पहन के। ये देखो 10 मई 2019 मतलब 2021 में सेट आया है, 24 दी कितनी देर की संभाल के रखी है ना, और ये वैसी की वैसी है। जो लोग दी को सबसे स्टार्टिंग से देख रहे हैं ना, उनको तो पता होगा दी ने ये वियर की हुई है। जिन्होंने नहीं देखा उनको मैं बता दूं, दी ने ये ड्रेस पता नहीं किस 2019 में वियर की थी, अब मुझे एग्जैक्ट डेट नहीं याद आ रही। सब टाटा बाय बाय, मतलब टाटा बाय बाय नहीं, ब्लॉग अभी खत्म नहीं हुआ, अभी बस चाय बनेगी। मम्मी चाय पी लोगे ना, और अभी चाय बनेगी, मैं खाना खाऊंगी। सुबह का मैंने खाना नहीं खाया, मैं ऐसे बस घूम रही हूँ। और ना मैंने प्लांट्स की सेटिंग कुछ ऐसी की है, मतलब टाटू वाली ये कमलुए तेरा लगा नचना प्यारा हो। अब ना बहुत भूख लगी हुई थी, मैं सोचा पहले खाना खा लेती हूँ, नहीं तो रील्स और वीडियोज़ के चक्कर में मैं खाना भूल जाती, अपना भूलती तो नहीं पर छोड़ देती। और मम्मा मुझे हेमा मालिनी बुला रहे अभी बाहर, कहते मेरी हेमा मालिनी कितने गई, तब मैं चाय दे के आई हूँ। अपनी चाय मैं आराम से बनाऊँ क्योंकि मुझे दूध वाली चाय पसंद है। मैं अपने लिए एक कप चाय बनाने लगी, और मैं चेंज इसलिए नहीं कर रही क्योंकि जब आप रेडी होते हो ना तो आपका मन करता है आपके हस्बैंड आपको ऐसे देखें, और तारीफ चाहे ना करें एटलीस्ट वो आपको ऐसे देखे, तो मेरा भी कुछ वैसा ही मन है। अभी अपने लिए एक गर्मा गर्म चाय बनाएंगे हम। सो गाइस मेरी चाय बन चुकी है, और मैं इसलिए इतनी ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि अभी मुझे फ़ोन आया था अलका दी की मम्मा का। अलका दी की शादी पे हम गए थे, आपने शायद हमारी वीडियोस देखी हो, तो उनके मम्मा का भी फ़ोन आया था, उन्होंने मतलब पापा का हाल चाल पूछा, फिर बहुत सारी प्यारी प्यारी उन्होंने बातें की मेरे साथ, और बहुत ही प्यारा सा मुझे एक कॉम्प्लीमेंट मिला है कि मेरी आंखें उनको बहुत पसंद है। और जब मैं उनसे मिली थी ना शादी पे भी, तब भी उन्होंने बोला था ये मेरा नटखट बच्चा है। अभी मैं कल ही आंटी को याद कर रही थी कि उन्होंने मुझे ऐसे कॉम्प्लीमेंट दिया था, मतलब हमारे दिमाग में रहता है ना जब हमें कोई प्यार से कुछ मतलब बातें बोलते हैं या हमारी तारीफ करते हैं किसी भी चीज़ से, हमें दिमाग में रहते वो, तो मुझे पता नहीं आंटी की कल याद आई, कल मैं सोच रही थी उनके बारे में, और आज उनका फ़ोन भी आ गया। अभी चाय को एंजॉय करते हैं और आंटी जी को थैंक यू बोलते हैं क्योंकि उन्होंने आज के मेरे दिन को और स्पेशल बना दिया प्यारी प्यारी बातें करके। मम्मी कर रही है एक्सरसाइज, और इस तरफ हो रहा है प्यारा सा सनसेट। मम्मी आज कर रही है, पहले भी की हुई है? पहले भी करती है, मेरे को लगता है कितने दिनों से आपने की नहीं है। जब करती रहे तो मैं आराम रहता। इस तरफ होने वाला प्यारा सा सनसेट, और उस तरफ है हमारा दरिया, बस सनसेट ना। और अभी यहाँ पे थोड़ी देर, जब भी सनसेट पूरा होने वाला होता है ना मेरे से रिकॉर्ड नहीं होता, तो मैं इसी टाइम पे दिखा देती हूँ। और चिड़ियों की चहकने की आवाज़, हाँ, और वो हमारी बिंदु ताई जी की गाय की भैंस। वाओ ब्यूटीफुल। दूसरी लाइट चला दूसरी, तो ये दसो कितने लगती भी। मैं एक बजे के पास की तैयार हूँ। ये मुझे बोले मैं अब आता हूँ, मैं एक घंटे में आता हूँ, एक घंटे में यहाँ 5 बजे आए, मैं 4 घंटे से ऐसे ही घूम रही हूँ, मेरे हाथ दर्द कर रहे हैं 2 घंटे से। मैंने आपको बोला था ना 5 मिनट पहले बताना, पता क्यों बोला था? क्योंकि मैंने सदरी उतारी हुई थी।
तेरे को ना ऐसी ड्रेस पहन के ना मॉल में लेके जाऊंगा और लोगों के रिएक्शन नोट करूंगा। मैं नहीं जाऊंगी आपको, मैं हिमाचली ड्रेस पहना के लेके जाऊंगी। नहीं मेरे को अलग से, तेरे को ऐसे ना फिर वो वीडियो बहुत चलती है और लोगों की रिएक्शन नोट करेंगे। तो आप लोगों से पूछो, आप लोग कमेंट करके बताना कि आंचल को पब्लिक प्लेस जैसे मॉल हुआ या फिर चंडीगढ़ में 17 मार्केट, बस स्टैंड, ऐसे जगह पे जाना चाहिए मेरे साथ। ताकि और गाइस आपने अगर नोटिस किया हो तो आप इनकी आंख देख सकते हैं इस साइड वाली, पता नहीं क्यों ये मेरा गोंडनी हो गई। गोंडनी वो क्या होता है पता नहीं, गोंडनी बोलते हैं मैंने वहां नहीं पता, क्यों फिंसी जी बोलते जड़ी हुंदी है जब बोलते हैं। हम इसको बचपन से गोंडनी बोलते हैं, आप लोग कमेंट करना आप क्या बोलते हो। बोलते हैं कि हनुमान जी का टीका लगाओ ना सिंदूर, हाँ तो उससे ठीक हो जाता है। पर आंखों में बड़ा डर है। आप ये कमेंट करो, 4 घंटे से ऐसे बैठी हो, बताओ कैसी लग रही है। आपने सोचा होगा बहुत सुंदर ये ड्रेस ना, मैं 2019 सबको 10 मई 2019 ने दिखाई, फिर मैंने दिखाई इस पे। हाँ बहुत ही अच्छे लग रहे थे दी, बट पूरा सेम था लेकिन दी ने रेड कलर की बिंदी लगाई थी, बाकी लिपस्टिक वगैरह सेम। एक्चुअली तैयार हुई, मुझे प्रीति दी बोलते तू तैयार हो जा फिर रील्स बनाते हैं। कौन सा डेट यही था, मुझे तो प्रीति यही था। कौन सा इसके साथ जो मंजे रखा था ना मिनकल, हाँ वो वाला था, वो तो अभी भी बड़ा मंजे भी हाँ, वो है इसके साथ का। ओके मेरे को तभी बोल रहे वो वाला वीर का, मुझे लगा ये वाला इसके साथ का है। ये सदरी और ये सारा कुछ मैं वहाँ से लेकर था रामपुर बाजार से। फाइनली मैं चेंज कर सकती हूँ, प्रॉब्लम और कुछ भी नहीं है ऐसा पहनने में। लेकिन इसकी स्कर्ट के साथ मैं 4 बार ऊपर गई हूँ और मैं 4 बार गिरने वाली थी क्योंकि स्कर्ट बार बार जो है मेरे पैरों में अटक रही थी। तो अभी मैं चेंज करती हूँ, उसके बाद मुझे चटनी बनानी है और चटनी में हम आलू डालेंगे। आलू आपने देखे होंगे पहले हमने वहाँ पे लगाए थे कोयले में, तो अभी मुझे बस चेंज करना है उसके बाद, क्योंकि ये झुमके बहुत हैवी है। लेकिन अगर मैं ऐसे झुमके वेयर करूंगी ना मेरे कान थोड़े से शेक जो वो बड़ा हो जाएगा, नहीं तो मेरे कान में मोस्टली मेरे जो बाकी सेट्स हैं वो बाकी कान में नहीं आते उसकी इयरिंग, क्योंकि उसके पीछे मोटी मोटी डंडी है। तो अभी फिलहाल के लिए मैं कपड़े चेंज करती हूँ। मैंने इसलिए इतनी देर से ये पहन के रखा है कि मैं अपने पति को दिखा सकूँ कि मैंने आज हिमाचली ड्रेस वेयर की है। मैंने अभी हाँ जी दी, हाँ मेरे पास सब है, मैं भूल गई। दी ने मुझसे कुछ सामान मंगवाया था, पहले मैं उनको वो दे के आती हूँ, फिर मुझे चटनी के लिए जो जो सामग्री चाहिए वो धो के रेडी करनी, फिर ये बोलते कुंडी डंडे का काम मैं करता हूँ। और मैंने फटाफट से चेंज करके ये टी शर्ट पहनी फुल स्लीव वाली और साथ में एक छोटी की है, मुझे बहुत अच्छा लगा। रुको रुको, धनिया पाउडर और क्या ओका, तो अभी ये पूरा फ्रिज में, मुझे नहीं पता था इसको कैसे रखते या सिंपल रहने देते बाहर, मुझे लगा ये चीज मुरझा जाएगी। सुबह सुबह पपीता ही ऐसे काटते पूरे ठंडे हाथ हो जाते हैं मेरे, पपीता मत रखा कर अंदर, फिर वो खराब नहीं होगा। नहीं एक आध दिन में नहीं होता खराब। और गाइस आज ना आपने वीडियो बनाई थी जब आपने पपीता काटा था घर वाला, नहीं काटने के नहीं वैसे दिखा रहा था। दिखाया था ना वो पत्ते, इनमें से भी निकाल लूंगा थोड़ी बहुत जो सही होगी। जो आलू टिक्की बनाया कर दी,